कि वो खाए भी ठीक है, खाए भी और मुल्क भी चलाए, मुल्क चला रहा है, खा रहा है, हर बार जो भी आता खाने के लिए आता है, घूमन जरिए सही कर दी भाई ये यार, जो कर दी भूखे मार दी मारन दियो। अच्छा आप स्कूल जाना चाहते हैं? हाँ। पढ़ना चाहते हैं? इमरान खान जब का हुआ ना, गरीबी हो गई हुई है, गुरबत बहुत है, हर बंदा आवाज आ रहे, जरा भी आंदा सारी गल करजा लेंदा तो फिर ही चलता है, और लाने का तरीका भी होता ना, ऐ नहीं कि गरीबों के खून पीना। छोटा सा बच्चा है डेरा गाजी खान से आया, यहाँ पे अंडे बेचता है, क्या नाम है आपका? अदील अहमद। क्या करते हैं? श्रीलंका काम। पाकिस्तान की शहरी की हर जबान पे एक ही सवाल है कि हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है। दूसरे अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि ये हुकूमत कठपुतली है, सिलेक्टेड है, ठीक है, तो ये कुछ नहीं डिलीवर कर सकते, तो इस हवाले से अपनी राय। हमारी राय ये तो भाई जान की इमरान खान जब का हुआ ना, गरीबी हो गई हुई है, गुरबत बहुत है, हर बंदा आवाज आ रहे, मन कहता चौंक के बच्चे ना दिहाड़ी लगती है ना गल ना बात है, जो तो आया किसी भी काम का जरा ना चलता नहीं पाया, रुकया था छे माह हो गया कम रुकया पाया, हूँ चलिया साडा काम, महंगाई महंगाई हो गई है, देखो प्याज 30 रुपये किलो ही होना 80 रुपये किलो है, बहुत महंगाई हो गई है कि 145 रुपये किलो 180 रुपये किलो है, साडा गरीबा का कहता कसूर है, कसूर तो व्डे ने जिन्हें माल खाधा है, और साडे गरीबा ने तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। की हाल है? ठीक ठाक हो? ठीक। अच्छा तो लोग कह रहे हैं कि हुकूमत जी है ना, हुकूमत कुछ नहीं करती भी, हुकूमत कुछ नहीं करती भी, गरीब लोगों वास्ते कुछ नहीं कर रही, तो थोड़ा की ख्याल है? थोड़ा जहा अपना राय दो सानू, तुहानू लोग देख रहे हैं, ठीक है, तुसीं एक छोटा जहा पैगाम दो कि हुकूमत जी है ना गरीब लोगों वास्ते की करे। चलो जो करती है सही करती, की करना मतलब कि हुकूमत जी सही करती पई है, जो करती भुखे मार दी मारन दियो, ते की मतलब के खान साहब तुहानू लाखों लोग देख रहे ने कैमरे दे विच, ते तुसीं दसो कि की पैगाम दोगे खान साहब? अल्लाह देगा पैगाम, हां कि देना, तुहाडा ख्याल है कि अल्लाह करेगा जो करेगा जी। बहुत शुक्रिया। कहिंदे ने पिछलियां हुकूमतां ने कर्जे ले सी, हर हुकूमत जिहड़ा भी आंदा सारी गल कर्जा लैंदा ते फिर ही चलदा, पर हुण लाउण दा तरीका भी हुंदा ना, ऐ नहीं कि गरीबां दे विच खून पीणा, हुण टैक्स बिला वधा इन्ने भार दे जिन्ना हिसाब कोई इन्हां नाल बिल नहीं हुंदा जिन्ना टैक्स भार रहे ने बिल दा। फातिह वजीर जो रेलवे हैं शेख रशीद साहब कहते हैं कि ये 3 माह के अंदर इंशाल्लाह महंगाई हम जड़ से खत्म कर देंगे। देखो जी यार, बड़े बड़े खान साहब होना वादे कितना पर वादा कभी नहीं पूरा किया, शेख रशीद साहब होना की करना, उन्होंने वादा है कि जो चोर ने करप्ट बंदे ने मैं जेल च डालांगा, उन्हें जेल च डाल। चलो जी, उन्होंने हक बनता डालना चाहिए, कि गल है भावे कोई भी नवाज शरीफ है भावे शहबाज शरीफ, डालना चाहिए, बाकी महंगाई तो ना ना करे, और गरीबा का कहता कसूर साढ़े वर्गों का जरा दिहाड़ी ला के डंग डंग चलाना होता काम। लोगों कहना है कि शहबाज शरीफ के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में जो है ना महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब से ये खान साहब आए हैं महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई है, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ के दौर में कारोबार लोगों का ठीक था? हाँ ठीक था बिल्कुल, नवाज शरीफ के लोग, नवाज शरीफ के हुकूमत में लोग खुशहाल थे, उन्होंने मोटर वे बनाई, यार काम किया है, जब से इमरान का आया उन्होंने पिछले काम रोक दिए हुए हैं, कोई काम ही नहीं जारे आगे से किया नया काम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्या करते हो? अभी अंडे बेचते हैं। अंडे अंडे बेचते हो डेली? सियालकोट गई हो? डेरा दे, डेरा गाजी खान। अच्छा सियालकोट में काम करने के लिए आया? हाँ। अच्छा तो डेली मतलब के कितने कमा लेते हो? 200-300। अच्छा तो खोर कोई कमाने वाला है या खुद कमाते हो? ये काम करना बस, अंडे बेचने हैं तो डेली बेचने हैं? हाँ जी। तो गुजारा हो रहा है? हाँ। अच्छा तो आपको वो साहब देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो खान साहब को, इमरान खान साहब का पता है? खान का पता है? हाँ। कौन है वो? इमरान खान। इमरान खान कहता है कौन है वजीर आजम है पाकिस्तान का? हाँ। पता है कौन है वजीर आजम है? अच्छा तो क्या कहेंगे खान साहब को कि वो आप जैसे बच्चों के लिए क्या करे? वो बच्चे को, बच्चों के लिए क्या करे? ये उसका मदरसा पला रहो स्कूल। अच्छा आप स्कूल जाना चाहते हैं? हाँ। पढ़ना चाहते हैं? हाँ। अच्छा तो इमरान खान साहब आपको देख रहे हैं, तो काम इमरान खान साहब को क्या कहेंगे? वो कैमरे की तरफ देखें, इमरान खान को बोले क्या चाहते हैं आप? स्कूल मदरसा। अच्छा तो ये भाई है आपका? हाँ। ये भी साथ आपके अंडे भेजते हैं? हाँ। जी ये देख सकते हैं कि एक छोटे के बच्चे का पैगाम है खान साहब को कि वो मेरे लिए स्कूल बनाए, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं ये काम नहीं करना चाहता। ये छोटा सा बच्चा है डेरा गाजी खान से आया, यहाँ पे अंडे बेचता है, तो मैं खुद से दिली हार्डली कह रहा हूँ कि खान साहब को पैगाम देता हूँ कि खुदारा
इन गरीब बच्चों के लिए कुछ करें। ये जो गरीब बच्चे दूसरे शहरों से काम करने के लिए दूसरे शहर जाते हैं और अंडे बेचते हैं, हुकूमत क्या कर रही है? कहते हैं हर बंदे की जबान से एक ही सवाल है कि हुकूमत की कर दी भैया, हुकूमत की कर दी भैया, हुकूमत साढ़े लिए बेहतर कर रही है। वक्ती तौर तो लगता है महंगाई कर रही है, सोचे तो बेहतर है। अपोजिशन जड़िया ने पार्टियां ने सुभाष शरीफ होने कह रहे हैं सिलेक्टेड ने, सिलेक्टेड ने इन्हों को कुछ हो नहीं पा रहा, डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो तुम की खान साहब भी काम दोगे? यार साड़िया पार्टियां ने अज तो 30-35 साल तो हुकूमत करती आ रही है, ये हुकूमत ने फट के साथ गौरमेंट ने फट के अज ने भी बंदा हुकूमत करने जाता है इन आप ही आज ठोकरा ठुकरा लगनिया ने जो समझ आई पर कहने चोर डाकू फड़ने पे हैं। आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ जो है ना वो मुल्क के लिए अच्छा था, अच्छा वजीर आजम था? हाँ अच्छा था वजीर आजम, ठीक है, वो खाता भी था और काम भी कराता था, इन्होंने कुछ भी नहीं किया जब से आया, इन्होंने बढ़तियाँ बंद की हुई हैं, कोई से आगे से बढ़ती नहीं कहने के वो खाए भी ठीक है, खाए भी और मुल्क भी चलाए, मुल्क चला रहा है खा रहा है, अब जहर बात जो भी आता खाने के लिए आता है वो काम तो कुछ लोग ही करते हैं। आप कहना है कि जो लोग हुकूमत में आते हैं ये खाने के लिए आते हैं? खाने के लिए आते हैं, मुल्क का कुछ सोचता नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को एक ईमानदार लीडर कहा, उनको कहा ये साधु को अमीन का रुतबा दिया है? नहीं, इससे पहले पूछा जाए खान साहब को, जो 90 दिन उन्होंने धरना दे रखा है, पेट्रोल दिया, दिहाड़ियाँ दी हैं, खाना दिया है, वो कहाँ से इतना माल आया खान साहब से? करप्शन का माल है और कहाँ से आया? इसे पूछना चाहिए ना खान साहब से, जो लोगों को पकड़ता है इसको भी पहले पकड़ना चाहिए कि वो आपने 90 दिन धरना दिया वो कहाँ से माल आया? डीजल पेट्रोल खाना दिया, दिहाड़ियाँ दी हैं, वो कहाँ से माल आया? इससे ये भी पूछना चाहिए ना, नवाज शरीफ को तो पूछ रहा है, सरदारी को तो पूछ रहा है, इसको कौन से पूछेगा? ये भी तो पूछना चाहिए कि नहीं। अच्छा लास्ट में आप खान साहब को क्या पैगाम देंगे कि वो गरीब आम के लिए क्या स्ट्रेटजीज लेके आए, क्या पॉलिसीज लेके आए? खान साहब होना था कि रिक्वेस्ट करना कि जी मेहरबानी है जी, गरीब आदमी है, महंगाई इतनी हो गई है, मेहरबानी महंगाई थले कर, बाकी कुछ हाल पाकिस्तान है, जो महंगाई चढ़ जानी है गरीब आवाम वास्ते बिल्कुल ही मुश्किल हो गया जीना, कहने के दिहाड़ी बिल्कुल घटती जा रही है, कम कोई नहीं, अड्डे के बेभाव मजदूर होंगे साढ़े हक लोते थे सुबह तो लैग शामा तक, कम कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं, मेहरबानी इन्हें मेहरबानी है कि महंगाई घट करे, कम तो कम महंगाई घट करे, ठीक है, व्डे लोगों ने पढ़न उन्होंने हक बनता बनना, बाकी गरीबों का हक नहीं ना फटना, इन्हों का खून पीना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा खून पी रहे, मेहरबानी, शुक्रिया।